बात करायच नाही वैभव दादा चा एक नंबर बुर्जी सेम क्वालिटी येणार देख सकते देखिए कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितने लोग देख रहे हैं देखिए बिल्कुल भी इसमें चीटिंग नहीं हो रही है देखिए है ना सर आपके सामने डाल रहे हैं ना है ना सर देखे आपने देखिए बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है 110 अंडा मतलब 110 अंडा देखिए 1 2 3 और ये ऊपर के पीस इतने अंडे आप इसमें जाएंगे अच्छा एक अंडा और एक्स्ट्रा देखिए ये 111 इन्होंने पूरे किए क्या बात है दादा वाह फ्रेंड्स खाने का शौकीन और ये सांगली के दत्त भुर्जी के वीडियो को आपने जो प्यार दिया उसी के चलते हम वापस पहुंचे सांगली के दत्त भुर्जी पे और आज आपको 50 नहीं बल्कि 110 अंडे की भुर्जी यहाँ पे दिखाने लाए तो दादा नमस्ते नमस्ते और ये वैभव दादा के पिताजी है आपका क्या नाम है दादा नंद कुमार सावस्कर आपने ही शुरुआत की ना दत्त भुर्जी हाँ। की सांगली में कितना अंडे का बनेगा अभी 110 अंडे का ये भुर्जी बनने जा रहा है तो देखिए अपनी ये 110 अंडे की भुर्जी की स्टार्ट हुई है इनके पिताजी के हाथ से तो अभी देखिए कितने ह्यूज क्वांटिटी में ये कांदा डालने जा रहा है क्या बात है दादा वाह देखिए कितना कांदा डाल रहे हैं कितना कांदा डाल रहे हैं इसमें अभी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये भुर्जी को स्पीड आएगा वैसा यहाँ पे खाने वाले का भी स्पीड आएगा देखिए इतना रश लगेगा अभी और फटाफट ये बनेगी और फटाफट फिनिश भी होगी और देखिए कितना बढ़िया सा अभी ये टमाटर काट रहे हैं यहाँ पे वो दादा देखिए इनके टमाटर काटने का स्टाइल भी देखिए कितना बढ़िया है क्या बात है वो दादा क्या बात है वाह ओहो एक तरफ से इधर दादा कांदा डाल रहे हैं और एक तरफ से इधर टमाटर कट रहा है देखिए कितना बढ़िया ये चल रहा है इनका काम देखिए पूरा ट्रे डालना है क्या टमाटर का वो दादा नहीं ना ऐसा डर वर नहीं लगता है हाथ वाट कटने का नहीं हैबिट हुआ है दादा कितना साल हुआ अपने शॉप को दत्त भुर्जी को 38 साल हुआ 38 देखिए अभी 38 इयर्स इनको कंप्लीट हुए बता रहे और देखिए इधर टमाटर इधर ऑयल सब एक साथ चल रहा है और क्यों नहीं भाई चलेगा 110 अंडे की भुर्जी बन रही है आज 110 अंडा आज पूरा रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले वैभव दादा मुझे नहीं लगता सांगली में इससे पहले किसने 110 अंडे की भुर्जी बनाई रही है नहीं ना सांगली के कोल्हापुर वगैरह और आसपास के कितने भी जिले पकड़ेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि ये मुझे नहीं लगता है कि इतने 110 अंडे की भुर्जी यहाँ पे बनी रहेगी टमाटर कांदा ऑयल कंटिन्यू डलता जा रहा है और कढ़ाई की साइज देखिए पहले आप कढ़ाई की साइज देखिए कितनी बड़ी है ये स्पेशल कढ़ाई है 110 अंडे की करना रहेगा ना देखिए अंडा भुर्जी किंग मेकिंग मास्टर वैभव दादा और उनके पिताजी सांगली भुर्जी किंग दादा कितने टाइम में बनेगा 110 अंडे का भुर्जी आधा घंटे में हो जाएगा देखिए आधा घंटा लगेगा इसको भी अब क्या आएगा इसमें देखिए अभी आ रहा है सॉल्ट जितना बड़ा क्वांटिटी में कांदा टमाटर ऑयल डाला है उतना क्वांटिटी में अभी ये सॉल्ट आ रहा है और क्या बात है देखिए वैभव दादा का स्पीड बढ़ता जा रहा है अब धनिया कोथिंबीर बस आप देखते जाओ कैसा ये भुर्जी बन रहा है 110 अंडे का 110 अंडा मतलब वही बताता कितना ट्रे रहेगा 3 ट्रे 20 अंडे यानी लगभग पौने 4 ट्रे अभी डालेंगे
यानी तीन ट्रे फुल रहेगा, एक ट्रे में 30 अंडा आता है ना, 30 अंडा आता है एक ट्रे में। ये आ रहा है ग्रीन चिल्ली, देखिए हरी मिर्च का ये पिसा हुआ मसाला, अभी और भी कुछ ऐड होगा इसमें, अभी मसाला आएगा, मसाला आएगा अभी। देखिए अभी ये दादा मसाला डाल रहे हैं, अंडा भुर्जी स्पेशल मसाला। दादा ये इतना बड़ा भुर्जी बनता है तो इसका मसाला या सॉल्ट या ऑयल वगैरह कांदा ये आपको कैसा पता चलता है कि इतने ही क्वांटिटी में डालना है? अच्छा बहुत साल हुआ है। अच्छा इतने साल का ये का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस अभी आपने वैभव दादा के लिए छोड़ रखा है। पार्सल मीडियम। देखिए अभी स्पाइसेस डल रहे हैं, मसाला डल रहा है, बहुत सारे अभी इसमें और इंग्रेडिएंट्स आएंगे। देखिए और कढ़ाई का साइज देखिए भाई, भुर्जी कर लेस ना। देखिए अभी पूरे मसाले स्पाइसेस आ गए इसमें और इसको भी अभी अच्छे से ये मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। कढ़ाई इतना हेवी हुआ है पूरा फुल, क्या वैभव दादा को अभी दोनों हाथ से हिलाना पड़ रहा है इसको, पूरी ताकत लग रही है वैभव दादा। अब तो इसमें 110 अंडा आना बाकी है। अब क्या अंडा डालेंगे? देखिए अभी आप ये अंडे का ट्रे देखिए ऊपर, देखिए एक आपको करीब से दिखाते, देखिए एक दो तीन और ये ऊपर के पीस, इतने अंडे आप इसमें जाएंगे आपके सामने पूरे अंडे ये गिन के जाएंगे यहाँ पे। देखिए हाँ अभी अंडा स्टार्ट हो रहा है ना, और देखिए अभी अंडा डालना स्टार्ट हुआ है। देखिए दादा ने अभी एक डाला, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और अब बस, अब इसके आगे तो गिनना बेकार है। देखिए दोनों फादर सन मिलके ये 110 अंडे की अंडा भुर्जी बना रहे, एक भुर्जी बना रहे जो अब तक के सांगली क्या इसके आसपास भी किसी ने नहीं बनाई है, 110 अंडे की अंडा भुर्जी। और देखिए कितनी स्पीड में अभी 110 अंडे इसमें जाएंगे। ऊपर का एक ट्रे खत्म हुआ है ना दादा? हाँ। अब ये देखिए नेक्स्ट ट्रे इनका कितना जा रहा है, 30 अंडा अभी आपको दिखेगा ये। और अंडा डालने का स्पीड भी देखिए दोनों का, दोनों फादर सन स्पीड में ये अंडा भुर्जी बना रहे। और देखिए जितने अंडे नीचे जा रहे हैं उतने कढ़ाई फूल होते जा रही है, शायद ऐसा लग रहा है कि कढ़ाई में जगह भी नहीं रहे इतनी तो ये ऊपर आ रही है। देखिए अभी तो एक ही ट्रे गया, दो ट्रे गए, तो देखिए ये भी ट्रे खाली हो गया है ना वैभव दादा? देखिए खाली हो गया ये भी, ये आ गया नेक्स्ट। देखो नो चीटिंग, कुछ भी चीटिंग नहीं, पूरा 110 अंडा मतलब 110 अंडा इसमें जाएगा।
और आप देख सकते हैं, देखिए कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी इसमें चीटिंग नहीं हो रही है, देखिए है ना सर, आपके सामने डाल रहे हैं ना, है ना सर, देखे आपने, देखिए बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है। 110 अंडा मतलब 110 अंडा, और भाई क्या कहे, क्या स्पीड है दोनों की। इसीलिए दत्त भुर्जी को सांगली का रियल अंडा भुर्जी किंग कहा जाता है। क्या बात है दादा, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। देखो ये भी ट्रे खत्म, अब आ गया ये लास्ट वाला ट्रे। ओहो हो, जो भी हमारी वीडियो देखेगा, ये वीडियो देखने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए एक तरफ से उनके फादर अंडा डाल रहे हैं अंकल, और ये वैभव दादा भी ये इसको अच्छे से हिला रहे, और देखते जाएंगे अभी आगे आगे क्या क्या इनका प्रोसेस होता है। कितना बाकी रहा अंकल, कितना अंडा बाकी है अभी? बस इतना ही है। देखिए ये भी ट्रे भी फिनिश हो गया, 100 का आंकड़ा पार हुआ। देखिए 100 अंडा भी पहले इसमें गिर चुके हैं, और ये रहा लास्ट का आखिरी अंडा, हो गया। देखिए अच्छे से चेक भी कर रहे हैं, खाली हो गया पूरा। देखिए पूरा ट्रे आपके सामने फिनिश हुआ है, 110 अंडे की ये भुर्जी अब आधा घंटे में फिनिश होने वाली है। वैभव दादा अभी ये 110 अंडा आपने बना दिए भुर्जी, इसको फिनिश होने में कितना टाइम जाएगा? अच्छा लगभग 10-15-20 मिनट में या आधा घंटे में फिनिश, आधा घंटे में फिनिश हो जाएगा। देखिए इतना फास्ट कस्टमर यहाँ पे आता है। ये नीचे से अच्छे से पक रहा है ना अंडा, पूरा मसाला ओनियन कांदा और टमाटर सॉस और मसाले इनके, ये पूरे अच्छे से इंग्रेडिएंट अभी अच्छे से नीचे से फ्राई हो रहे हैं, अंडे में मिक्स हो रहे हैं, और वैसा वैसा इसका स्मेल आ रहा है, स्मेल निकलना स्टार्ट हुआ इसका। देखिए ऊपर से ये हरा धनिया, और आप देख सकते हैं इतने वैरायटी की ये दत्त भुर्जी पे अंडा। अच्छा एक अंडा और एक्स्ट्रा, देखिए ये 111 इन्होंने पूरे किए, क्या बात है दादा, वाह 110 बोले थे लेकिन 111 किए। इसको हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही शुभ माना जाता है, 111 अंडा की ये भुर्जी। तो सॉरी इससे पहले हमने 110 का काउंट किया, लेकिन ये 111 अंडा की भुर्जी यहाँ पे बनी है, जो बहुत ही शुभ आंकड़ा है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी भुर्जी की हलचल किधर नहीं रहेगी यहाँ, इतना ज़बरदस्त ये सांगली में ये अंडा भुर्जी का क्रेज है, और बनता भी उतने क्रेजी स्टाइल में। देखिए इतना हीवी हुआ है कि उनको अभी कढ़ाई हिलाना मुश्किल हो रहा है, देखिए इतना हीवी है, प्लीज ने 111 अंडे पड़ गए, इतना सब चीज़ें। नमस्ते दादा, देखिए खाने की कितनी भीड़ है, ये वैभव दादा के चाहने वाले प्यार करने वाले लोग देखिए कितने आए। दादा आपका नाम बोलिए, और आपका दादा रोहित पटेल, और दादा आपका, दादा आपका बोलिए दादा राजू कैसा आपका सर। देखिए इतने सब ये प्यार करने वाले यहाँ पे दत्त भुर्जी पे हमेशा विजिट करते रहते हैं, हमारे बहुत कस्टमर जुने हैं। हाँ 20 साल से। अच्छा 30 साल से ये दादा, अरे वो सांगली से ही दादा आप? सांगली से। बढ़िया बढ़िया, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। और देखिए अभी इधर भुर्जी बन रहा है, और इधर ये दादा ने प्लेट लगाना स्टार्ट किया,
अब पूरा यहाँ से वहाँ से बस भुर्जी भुर्जी दिखेगा आपको, 111 अंडा का भुर्जी भुर्जी। वो दादा कभी ऐसा नहीं होता है कि नींद में ऐसा चिल्ला के उठते भुर्जी भुर्जी अंडा भुर्जी? हाँ पक्का पार्सल है। देखिए पूरे प्लेटें लगा दी दादा ने, नीचे भी लग रही है इधर भी लग रही है सब तरफ। देखिए पूरे गाड़ी को अभी भुर्जी से सजा देंगे। 111 दादा, 111 एक नंबर एक नंबर नाथ करायचं नाही, नाथ करायचं नाही वैभव दादा, एक नंबर भुर्जी। और फ्रेंड जितने स्पीड में इनकी 111 अंडे की भुर्जी बन गई उतने स्पीड से ये प्लेट लग रही है। यूट्यूबर इस पे चालू है एक, और देखिए कितने फटाफट अभी यहाँ पे ये सर होती है। यूट्यूबर चालू है एक मिनट चालू। डबल पार्सल दोनों। वैभव दादा रेडी हो गया 111 अंडे का भुर्जी? देखिए रेडी हो गया, देखिए कितना फूल हो गया पूरा ये। स्टार्ट करें, देखिए ये पहली प्लेट यहाँ पे भर गई, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, पांचवी, छठी, बस अब आगे देखते जाइए। अब अनलिमिटेड यहाँ पे सर होता रहेगा। स्पीड तो देखिए कितनी भैया की। भाई बहुत दादा एज क्या आपका? 28। देखो अंदर अंदर भी प्लेट लगी है, देखिए ये तो हमने देखा ही नहीं था, अंदर भी प्लेट लगी है पूरा भुर्जी भुर्जी, पूरा सांगली को भुर्जी कर दिया। ओहो देखिए ऊपर से फिर हरा धनिया। देखिए ये पहला प्लेट गया, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए लाइन लगा के खड़े वेटिंग कर रहे हैं, देखिए कितने लोग। देखिए पीछे भी गया। हाथ करायचा नाही ना, जबरदस्त वैभव दादाची भुर्जी काय म्हणता दादा? क्वालिटी मात्र सेम होती। अच्छा म्हणजे एक एक अंड्याची बनो दोन बनो किंवा 111 ची सेम क्वालिटी येणार। और आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन ऊपर लगी हुई थी और खत्म हो गई है, नीचे में अभी ये डबल लग गया। भाई बोल दादा कितना टाइम लगेगा अभी ये सब फिनिश होने के लिए? और आधा घंटा, आधा घंटे में पूरा फिनिश।